हाल ही में चीन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हुआ ये है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है, वो भी अगले 30 सालों के लिए। श्रीलंकाई कैबिनेट ने 26 अप्रैल को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले को चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस हवाई अड्डे को बनवाने के लिए चीन ने श्रीलंका की आर्थिक सहायता की थी। हालांकि इसे ड्रैगन की एक बड़ी साजिश बताया गया था। दरअसल चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को काफी हाई ब्याज दर पर लोन दिया था। चीन के एक्जिम बैंक ने लगभग 19 करोड़ डॉलर की राशि श्रीलंका को दी थी। चीन पर कई विशेषज्ञों ने आरोप लगाए थे कि उसने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से श्रीलंका को एक बड़े कर्ज जाल में फंसाया है। जब श्रीलंका का यह एयरपोर्ट डूबा, तब चीन ने अपने लोन की भरपाई के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को अगले 100 सालों के लिए लीज पर ले लिया। भारत के लिए यह बंदरगाह आज भी सरदर्द बना हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी था कि श्रीलंका का यह एयरपोर्ट भारत चीन के हाथों में न जाने दे। जब श्रीलंका चीन से कर्ज लेकर इस एयरपोर्ट को बनाने जा रहा था, तब वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को चेतावनी भी दी थी कि श्रीलंका का यह प्रोजेक्ट घाटे में चला जाएगा। लेकिन चीन ने श्रीलंका को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि श्रीलंका को कुछ दिखाई नहीं दिया और आज श्रीलंका को बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इस एयरपोर्ट को 209 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया गया था। उड़ानों की कमी के कारण एयरपोर्ट घाटे में जा रहा था और इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा करार दिया जाने लगा था। 2016 से श्रीलंका सरकार हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भागीदारों की तलाश कर रही थी, जिसे अब भारतीय कंपनियां संभालेंगी।